wondering what I do. Just a moment ago, leaning on the perfect legal, get following birthday fuel. I'm not told that I'm worth leaving, step behind all the things people do as if it's all of mine. Now we won't, and isn't it funny to have a walking sun like that? दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी लेने से, और अरिंदम और तूतन को वीकेंड में दो दिन, सैटरडे और संडे, मैं देती हूँ ये सौफ का पानी। सौफ के साथ शुगर कैंडी मिला के मैं इसको ओवरनाइट पानी में सोक करके रखती हूँ, पानी में भिगो के रखती हूँ, और दूसरे दिन उसको अच्छी तरह से छान के फिर इसका पानी मैं तूतन और अरिंदम को देती हूँ। इससे क्या होता है, ये मिश्री का पानी और सौंफ का पानी, ये जो रहता है ये पेट के लिए अच्छा होता है, पेट को ठंडा रखने के लिए। और ये टाइम पे हम लोग हर रोज़ इतना कुछ गर्म पानी ये वो ले रहे हैं कोविड सिचुएशन में, तो हफ्ते में दो दिन ये पानी अच्छा होता है। पर मैं गर्म पानी ही लेती हूँ सुबह, यही मुझे अच्छा लगता है हमेशा से। और इसके साथ मैं डालूंगी आंवले का रस। बाकी हफ्ते में दो दिन, बाकी जो हम वीक में बाकी पांच दिन, मैं अरिंदम और तूतन को भी गर्म पानी देती हूँ। अरिंदम को डालती हूँ गर्म पानी के साथ यही आंवले का रस, और तूतन लेती है गर्म पानी च्यवनप्राश के साथ। तो ये बन गया है, ये मैंने छान के रख दिया है। सौंफ और शुगर कैंडी का जो पानी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी वो, और अभी मैं ये दोनों उन दोनों को दूंगी और मैं पीऊंगी ये गर्म पानी। पानी पीने के बाद फिर से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक ठाक हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट उसका प्रिपरेशन लेने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं आज का ब्रेकफास्ट। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। एक्चुअली मुंबई में बारिश या मानसून स्टार्ट होने वाली है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रहा है। वेदर पूरा क्लाउडी क्लाउडी, आगे का माउंटेन पूरा ढक गया है क्लाउड से। आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में रवा इडली। तो पहले मैं ले लेती हूँ एक कप फुल ऑफ रवा। रवा इडली एक्चुअली तूतन और अरिंदम दोनों को ही बहुत पसंद है। अभी कढ़ाई में मैंने लिया है एक स्पून फुल ऑफ वाइट ऑयल, और उसमें डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स या राई। अभी रवा को मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर मैं ऑयल और राई के साथ भून लूंगी। इससे क्या होता है, रवा थोड़ा सा खिला खिला सा हो जाता है, और जब मैं इडली बनाऊंगी वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। रवा मेरा भून के तैयार हो गया है। अभी मैं उसको एक बोल में डाल लूंगी। बोल में लेने के बाद अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ रख दूंगी, और फिर मैं उसमें ऐड करूंगी
कर्ड, बाहर घर में रहता है घर में बना हुआ कर्ड या बाहर से मिलता है कर्ड आप ऐड कर सकते हो। 2 चम्मच फुल ऑफ कर्ड मैं इस रवे के साथ ऐड करूंगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी एक स्पैचुला से। अभी इसके साथ मैं पानी ऐड करूंगी। पानी आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रवा जो है बहुत ज़्यादा पानी पीता है। इसके वजह से जितना आप उसमें पानी ऐड करोगे वो उतना ही मतलब खिल के आएगा तो, और वो सॉफ्ट भी रहेगा। तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करो। थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि रवा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको पानी डाल के फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दो, एक अच्छा सा मिक्स करके फिर मैं उसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। Just a moment ago, been on the perfect ego, kept following birds of you. I'm not told that I'm born to leave and step behind all the things people do as if it's all of mine. Now we won't, and isn't it funny to have a walking sign like that? Sometimes drag out from the sky, and I'm wondering how it works. Just a moment ago, been on the perfect ego, kept following birds of you. They flew in some. मेरा इडली बनके तैयार हो गया है, और इसके साथ हम लोग ले रहे हैं ये टमाटर की चटनी। टमाटर और गार्लिक डाल के मैंने इसे बनाया। एक्चुअली चटनी मैंने कल बनाई थी, और इसके साथ मैंने मुरमुरा डोसा बनाया था। ये चटनी और डोसा जो रेसिपी है, डोसे का जो रेसिपी है, वो बाद में मैं दूसरे किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज का ब्रेकफास्ट देखिए, इडली एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और ये आ गई है तूतून। गुड मॉर्निंग। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से बात करते हैं। It's sunny as I fall out from the sky, and I'm wondering what I do. Just a moment ago, been on the perfect ego, kept following birds of you. Hi. Hey. अभी मैं आ गई हूँ तूतून के रूम पे, और
मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, अरिंदम को मैंने बना दिया है चाय, वो चाय पी रहा है और मैं कॉफ़ी, और हम लोग थोड़ी बातें कर रहे हैं। तो तुम क्या बातें कर रहे हो? उसको मतलब ऐसा है कि अभी उसका तुतुन का स्कूल भी चालू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है 15th ऑफ जून से प्रोबेबली, और एडमिशन का डेट उसके स्कूल में रखा है 7th जून को। तो उसके बाद फिर तुतुन भी बिज़ी हो जाएगी अपने क्लास, होमवर्क, ऑनलाइन क्लास ये सब लेके। और ये छुट्टी, तुतुन ये छुट्टी कैसा गया आपका? बोरिंग। तुतुन बहुत ये लॉकडाउन के वजह से पूरा बोर हो गई है, क्योंकि पहले क्या था, स्कूल जाती थी तो दोस्तों से बात करना, दोस्तों से मुलाकात, फिर स्कूल में पढ़ाई वगैरह सब कुछ, एक मतलब एक अलग ही तभी माहौल था, अलग सब कुछ सिचुएशन था। और लॉकडाउन के बाद एक साल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से अभी भी यहाँ पे लॉकडाउन चालू है और स्कूल तो पता नहीं कब खुलेगा, कब बच्चे स्कूल जाने के लिए सब सिचुएशन वगैरह सब ठीक ठाक होगा। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चालू है, और ऑनलाइन में मोस्टली बच्चे क्या है, क्लास तो होता है ठीक है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ होता है, पर स्कूल में जाके जो एक अलग सा फील होता था, दोस्तों से बात करना या टीचर के आमने सामने बैठ के जो क्लास करना, ये सब जो था वो सब तो अभी बंद है। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, टाइम भी कुछ फिक्स है, पहले जितना टाइमिंग स्कूल में रहता था, अभी तो उतना उस हिसाब से तो ऑनलाइन क्लासेस में टाइम कम ही मिलता है, कम ही होता है। तो ये सब मिला के अभी तुतुन बिचारी बोर हो गई है। और हम लोग क्या है, पहले बाहर भी मतलब जाने का था, पर अभी बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग, खेलना बंद, सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज स्टॉप, तो सब कुछ घर में, और घर में बैठ के कितना कुछ खेल सकते हैं हम लोग। मैं भी काम में कभी कभी बिजी हो जाती हूँ, उसके पापा का भी ऑफिस चल रहा है, उसके पापा भी ऑफिस के लिए, ऑफिस के काम में ही बिजी रहते हैं, और तुतुन फिर भी तुतुन ड्राइंग करना, उसको ड्राइंग करना पसंद है। और क्या पसंद है तुतुन को, पेपर कटिंग, जो ओरिगामी, पेपर वर्क, सब ये सब बहुत कुछ पसंद है तुतुन को। तुतुन बहुत अच्छा कार्ड बनाती है, DIY कार्ड बनाती है, तो एक दिन मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी, और तुतुन का ड्राइंग्स भी वगैरह भी मैं आप लोगों को। It's sunny as I fall out from the sky, and I'm wondering what I do. Just a moment ago, been on the perfect ego, kept following birds a few. I'm not told that I'm born to leave and step behind all the things people do as if it's all of mine. Now we won't, and isn't it funny to have a walking sun like that? I get them out of my mind. Then all the things I used to do ain't gonna waste my precious time of thinking of what do I do. All trees go low, satisfying days of spring will never come like these. The laughter rain, it sounds die. They die with on the street. चलिए, हम लोगों का लंच हो गया है। मैंने एकदम सिंपल सा लंच बनाया था आज, क्योंकि अभी अरिंदम घर पे नहीं है आज, वो थोड़ा काम से बाहर गए हुए है। सिर्फ मैं और तुतुन ही थी, इसलिए हम लोगों ने एकदम सिंपल सा खाना बनाया। और तुतुन को तो बेसिकली पसंद है दाल चावल, और उसके साथ पापड़ मिल जाए तो बस, और उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना? यस। तो मैंने भी वही बनाया था, दाल चावल बनाया और उसके साथ पापड़ बना दिया, और मैंने भी वही खा लिया है। और अभी मेरा कुछ काम है पर्सनल, और तुतुन भी अपना कुछ काम करेगी दोपहर को, तो तुतुन भी नहीं सोती है, और मेरा भी ऐसा कुछ है, मैं भी दोपहर को सोने की मुझे आदत नहीं है।
तो अभी हम दोनों अपना अपना काम करेंगे और उसके बाद अरिंदम जब वापस आएंगे बाहर से तब उसको गर्म पानी वगैरह स्टीम वगैरह देना पड़ेगा। ये सब तो अभी रेगुलर रूटीन में भी आ गया है। तो एनीवे आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर आपको हम लोगों का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ विथ अ बिग स्माइल। बाय।